जंगलों में ढूंढ रहे हैं पर उसका कोई पता नहीं चला। उसे जिंदा पकड़वाने वाले को 5,000 का इनाम दिया जाएगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ है, कितना दोगे? अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा? बस आ गए, पैसा तो पूरा मिलेगा ना? जितना बोला था उससे ज्यादा ही मिलेगा। चलो आपके सर पर लगे इनाम के लिए। द्रोही, दे दिया इनाम मैंने इसे। तुम हो कौन? राजा पांडी। कहां से आए हो तुम? वीरों को जन्ने वाली तमिल भूमि से। लेकिन यहां क्यों आए हो? आप 6 महीनों से गोरों के साथ अकेले लड़ रहे हैं, इसीलिए आपका साथ देने चला आया। मुझे रख लीजिए, लक्ष्मण की तरह हमेशा साथ में रहूंगा, चाहे वीरता में हो या वीर गति में। तुम तमिल हो और हम तेलुगु लोग, साथ कैसे लड़ेंगे? भारत माँ हम दोनों की माँ है, तो ये मेरे भाई हुए, कुछ भी हो सकता है, हम लड़ लेंगे, भरोसा रखिए। नरसिम्हा रेड्डी के बारे में कैसे जानते हो? नरसिम्हा रेड्डी को तमिलनाडु में सब लोग जानते हैं, गांव गांव में इनकी बहादुरी के गीत गाए जाते हैं। भैया जान सकती हूँ? लक्ष्मी, आपने तो आंदोलन में नए प्राण फूंक दिए, उनके बारे में ऐसे गाया जैसे आप उन्हें जानते हैं। मैं भी तो इसी का हिस्सा हूँ, और वैसे भी उनके बारे में कौन नहीं जानता। क्षमा करना, आपकी अनुमति के बिना आपके साथ गाने लगी। सिर्फ साथ गाना काफी नहीं है, युद्ध में अपना कोई वीर भेजिए। मैंने तो युद्ध के नायक को भेजा, मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या वो भी यहाँ? मैं उनके लिए बाधा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्हें आजाद कर दिया। उनके बिना जीना आपको मुश्किल नहीं लगता? वो मुझे जीवन भर का प्यार पहले ही दे चुके हैं। सही कहा, मुझे भी। आपका बेटा? हाँ। क्या मैं नहीं बेटा, नहीं रोते, नहीं आओ बेटा, रोते नहीं, ओले ले, मेरा अच्छा बच्चा। किसे क्या देना चाहिए भगवान सब जानता है। आपको परिवार का भार दिया और मुझे आंदोलन को लोगों तक ले जाने का। सही कहा। आज से ये रेनाडू की भूमि स्वतंत्र है, अपनी मातृभूमि से एक एक अंग्रेज को खदेड़ दूंगा। बता दो अपने लंदन के आकाओं को, मैं रेनाडू का नया महाराज हूँ। बता दो कि अगर मेरी धरती पर पाँव रखना है तो उन्हें मुझे लगान देना होगा। अब तुम अंग्रेजों की लड़ाई गुलामों से नहीं, स्वतंत्र भारतवासियों से है। इससे पहले कि लंदन तक बात पहुंचे इसे रोकना ही पड़ेगा। ये हम कैसे करेंगे? Thank you.
आप सब अचानक यहाँ? हमें लगा कोई अनहोनी होने वाली है नरसिम्हा, पूरे परिवार को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए हम तुम्हें देखने चले आए। डरने की कोई बात नहीं है माँ, जैसे पलके आंखों की सुरक्षा करती है वैसे ही ये सेना में मेरे लिए प्राण देने वाले वीरा रेड्डी जैसे मित्र हैं। कोई अनहोनी नहीं होगी, आप चिंता ना करें। इसे राजा बनाने के लिए मैंने इसका साथ नहीं दिया था। रेनाडू का राजा एक ही हो सकता है और वो हूं मैं। अवकुराजू, मैंने तो सोचा था अवकुराजू मर गया, आज पता चला वो जिंदा है। मुझसे हाथ मिला लो, दोनों मिलकर राज करेंगे। कैसे? नरसिम्हा रेड्डी और उसके परिवार को मिटाकर। और उसके बाद? कोकरेन का दस्तखत किया हुआ राजीनामा है ये। हम इस विद्रोह को दबा पाए तो रेनाडू के दो हिस्से होंगे, उत्तर का राजा मैं और दक्षिण के राजा तुम बनोगे। पर हम दोनों काफी हैं? हम जैसे कई और लोग हैं सेना में, बस तुम जैसा एक साथी चाहिए। तो बताओ कब करें? आज रात को, जो भी करना है आज रात को ही करना होगा बसे रेड्डी, आज रात को। आधी रात को जब सब सो रहे होंगे मैं किले के द्वार खोल दूंगा, मेरे आदमी अंदर आ जाएंगे। नरसिम्हा रेड्डी सबसे आखिरी वाले कमरे में सोता है, सब अपने कमरे में सो रहे होंगे तब मैं अंदर से दरवाजा खोल दूंगा। पूरब वाले कमरे में उसका अंगरक्षक राजा पांडी सो रहा होगा, उसे मैं मारूंगा। मैं अपने राजा को कभी धोखा नहीं दूंगा। दुश्मनों से लड़ने से पहले आस्तीन के सांप को पहचानना जरूरी है। तुम्हारे छल के कारण हमारे कई साथी मारे गए, उसी वक्त मार देना चाहिए था तुम्हें। लेकिन तुम्हारे जहरीले इरादों में और कौन कौन शामिल है ये जानने के लिए मैंने ये खेल खेला। अब खेल खत्म। अन्ना, सीने में नहीं, वो तो वीर की मौत होती है। ये पापी सौगंध खाकर मुकर गया है, ये तलवार इसकी गर्दन में घुसा दो। क्षमा मांगने वाले का मर जाना ही बेहतर है बसे रेड्डी।